वेलकम दी बैक फ्रेंड्स इन कोडिंग क्लासेस। ये वीडियो जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 9th ट्यूटोरियल है एंड इस ट्यूटोरियल में आप फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू सीखने वाले हैं, मींस रिटर्न फंक्शन कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं उसको समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे अपने अलग अलग वैल्यूज को लेकर पैरामीटर्स के थ्रू अपने वैल्यू को पास कराया था एंड फंक्शन को कॉल किया था हमने। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने एक फंक्शन बनाया था एंड उसका नाम दिया था सम एंड उसमें दो पैरामीटर्स पास कराए थे एक्स एंड वाई एंड उसको हम लोग ने यहीं पे राइट करा दिया था, यहीं पे हम लोग ने उसे प्रिंट कराया था एंड यहां से हमने उसे आर्गुमेंट पास किया वैल्यू एंड ये हमें प्रिंट करके आउटपुट दे दे रहा था। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग यही पढ़े थे फंक्शंस विद पैरामीटर्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटर्न फंक्शन। तो फ्रेंड्स, पैरामीटर्स में हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, डायरेक्ट यहीं पे कोड लिखा था एंड फ्रेंड्स रिटर्न फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने कोड को प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम लोग अपने कोड में जब आगे इसका यूज करेंगे, रीयूज करेंगे अपने कोड को, देन हम वहाँ पे वेरिएबल्स के हेल्प से अपने कोड को रिटर्न करवाएंगे, अपने वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे एंड उस रिटर्न वेरिएबल्स एंड उस रिटर्न वैल्यूज के थ्रू अपने वैल्यू को या अपने कोड को प्रिंट करवाएंगे। सो इसको समझते हैं कि डिफाइन कैसे करना है। देन सेम फ्रेंड्स, जैसा हमने फंक्शन बनाया था विथ एंड विथआउट पैरामीटर्स एंड स्टेटमेंट्स लिखे थे, वैसे इसे भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सिंपल इसे मैं हटा दूंगा एंड स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे वेरिएबल लेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फंक्शन, हमारा कीवर्ड है जो हमने फंक्शन बनाया एंड ये फंक्शन का नेम एंड इसमें दो पैरामीटर्स हमने पास कराया था पिछले बार। सो इसमें हम लोग इस बार रिटर्न वैल्यू का यूज करके अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, जैसे मैं तीन सब्जेक्ट ले लेता हूँ, पहला ले लेता हूँ मैथ एंड दूसरा ले लेता हूँ साइंस एंड तीसरा फ्रेंड्स कंप्यूटर एंड अब इसमें वेरिएबल पास करवाएंगे। सो वेरिएबल बनाया ये मैंने एस नेम से एंड अब इसमें अपने सब्जेक्ट को पास करवाएंगे, जो वैल्यू हम डालेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे एंड ये मैंने लगाया सेमी कॉलन। अब फ्रेंड्स, रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करके हम अपने वैल्यू को, अपने वेरिएबल जो हमने बनाया है, वैल्यू पास कराना है उसको रिटर्न में हम लोग स्टोर करवाते हैं। सो मैं यहाँ से करूँगा रिटर्न कीवर्ड का यूज एंड इस रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से अपने वेरिएबल एस को इसमें पास करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लिख दिया एस एंड सेमी कॉलन, इसको करते हैं यहाँ से रिमूव एंड सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो यहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं आया बिकॉज मैंने अभी उसको कॉल नहीं किया है, अपने वेरिएबल को पास नहीं किया, मीन्स वैल्यू नहीं दिया है उसमें अपने वेरिएबल्स में। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल टोटल एंड इस वेरिएबल के थ्रू हम अपने फंक्शन नेम को कॉल करेंगे। सो फंक्शन का नेम है फ्रेंड्स हमारा सम, सो ये मैंने लिखा सम एंड इसमें अपने वैल्यू को पास कराएंगे। सो ये ले लेते हैं सपोज 65, 67, 87 एंड ये लगाया मैंने सेमी कॉलन एंड फ्रेंड्स अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। सो प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का एंड फ्रेंड्स जो हमने अपना वेरिएबल बनाया टोटल उसको इसमें प्रिंट कराएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया जिसका नेम दिया सम, उसमें तीन सब्जेक्ट लिए हैं हमने, मीन्स पैरामीटर पास किए हैं तीन एंड उसको एस नेम के वेरिएबल में स्टोर किया है एंड इस वेरिएबल एस नेम के वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड, जो ये वेरिएबल एस नेम के वेरिएबल को हमें रिटर्न कर रहा है कि भाई इन तीनों को ऐड करके इस टोटल में स्टोर कर देना है एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू इस टोटल वेरिएबल जो बनाया है उसके थ्रू इसे प्रिंट कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसको सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आउटपुट आया 290। सो फ्रेंड्स, फंक्शन में हम लोग रिटर्न के हेल्प से ऐसे अपने वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, मींस वेरिएबल बनाते हैं उसमें अपने वैल्यू को स्टोर करवाते हैं जो वर्क कराना है एंड उसके वेरिएबल नेम को अपने रिटर्न वैल्यू में स्टोर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड एंड जो मैंने इस टोटल नेम का वेरिएबल बनाया उसको फिर हम लोग कॉल करते हैं। फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग मैथ्स का फॉर्मूला वगैरह डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं फंक्शन रिटर्न का। सो फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल हम समझते हैं रिटर्न फंक्शन का। सो सपोज फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया फुल नेम, पिछले बार हम लोग एफ नेम मतलब नेम लेके हम लोग ने प्रिंट करवाया था फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सेम वैसा ही हम लोग लेंगे, बस उसको प्रिंट करवाएंगे हम लोग रिटर्न फंक्शन से, स्टोर करवाएंगे वेरिएबल में एंड उस वेरिएबल के वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे अपने नेक्स्ट वेरिएबल में एंड उसको प्रिंट कराएंगे। एंड
एंड फ्रेंड्स इसमें आप अपने वेरिएबल को पास कराते हैं। सो मैंने फ्रेंड्स वेरिएबल ले लिया फन। सो फ्रेंड्स मैंने इसमें स्टोर करवाया फर्स्ट नेम, कॉन्केटिनेट का यूज़ किया मैंने स्पेस के लिए एंड दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, एंड फ्रेंड्स स्टोर करवाया लास्ट नेम। एंड फ्रेंड्स इसमें आप रिटर्न फंक्शन का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिटर्न की। एंड फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया क्या करते हैं, अपने वेरिएबल जो बनाया है जिसमें वैल्यू पास कराना है उस वेरिएबल नेम को रिटर्न में स्टोर करवाते हैं। सो हम लोग लिख लिया फन। सो फ्रेंड्स आप एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल जिससे अपने वैल्यू को पास करेंगे। सो मैंने ले लिया एफ एन फुल नेम शॉर्ट में, एंड फ्रेंड्स इसमें प्रिंट कराया मैंने फर्स्ट नेम सपोज हेलो, एंड फ्रेंड्स दूसरा कोडर्स। सो फ्रेंड्स ये हमने वेरिएबल बना लिया एफ एन नेम से, बट इसको कॉल नहीं किया हमने, अपने फंक्शन नेम का नेम नहीं दिया। सो मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम दे देता हूँ अपना। सो ये मैंने लिख दिया फंक्शन नेम, एंड फ्रेंड्स अब इसको हम लोग राइट करवाएंगे। सो फ्रेंड्स मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल था जिसमें हमें वैल्यू पास किया उसके थ्रू हमें अपने वैल्यू को प्रिंट कराना है। एंड फ्रेंड्स इसको मैंने किया सेव, एंड यहाँ से हटा दिया मैंने ब्रैकेट को, बिकॉज ब्रैकेट नहीं होगा फ्रेंड्स मैंने नोटिस नहीं किया था। एंड इसको सेव करके चलते हैं फ्रेंड्स अपने ब्राउजर पे। सो फ्रेंड्स देख सकते हो इसका आउटपुट आ गया हेलो कोडर्स। सो फ्रेंड्स ऐसे हम अपने जावास्क्रिप्ट में रिटर्न फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैक दी वेलकम एंड थैंक यू फ्रेंड्स।